फ्रेंड्स तैयारियां तो हो गई है और अब मैं कर लेता हूँ ड्रोन को पैक, क्योंकि वहां पे ड्रोन उड़ने वाला है शादी में। तो अभी हमारा ये ड्रोन है, इसको कर लेते हैं रेडी। वैसे तो सारे लेंस वेंस लगा के रेडी हो गया है, तो अब मैं रख लेता हूँ इसको। सो गाइस, अभी हम लोग कर रहे हैं वेट रोहित एंड राधे भाई साहब का, क्योंकि राधे भाई साहब आने वाले हैं गाड़ी लेकर। हम उन्हीं की गाड़ी से चलने वाले हैं और रोहित भी आ रहा है, तो रोहित तो भी हमारे साथ में जाएगा। तो रोहित भी अभी तक नहीं पहुँचा है, तो उसका वेट कर रहे हैं। तो भैया इधर भी देख लेते हैं कि ये लोग भी हो चुके हैं रेडी। अभी तो इनकी सेल्फी चल रही है। हो गए रेडी? हाँ भैया, राघव भी रेडी हो चुका है। हे राघव, क्या कर रहा है? मतलब इस गुड्डा को वो उसके ट्रैक्टर है ना, उसमें बिठा रहा है वो। तू नहीं चल रहा है क्या हमारे साथ? इधर देख, इधर देखो, और छोटा ट्रैक्टर है, गुड्डा बड़ा है तेरा, टैडी बड़ा है ना तेरा। इधर देख, इधर इधर देखो राघव, उसका एटीट्यूड अलग ही चलता है। मतलब वो, उसको किसी से मतलब नहीं है, वो जो काम करता है ना वही करता है। आज तू बैठा के ही मानेगा उसको, मतलब ट्रैक्टर पे है ना। तो भैया हम लोग कर रहे हैं तैयारी और रोहित भी आ चुका है, अपना डाटा कर रहा है कॉपी। सब लोग निकल चुके हैं घर से, ये ड्रोन हमारा रोहित और सब जा रहे हैं। तो घर से निकलने वाले हम सब लोग। रघु, राघव हाय बोलो। देख मैं वो बांट ले दूध। तो राघव देखो क्या कर रहा है, बस उसको तो मोबाइल चलाने से काम नहीं है। राघव अरे वाह, कार में बैठ के तो हाय करेगा। यार एक पंगा हो गया है यहाँ पे। अभी हम लोग मतलब यहाँ से सफ़र हमारा बचा है लगभग 40 किलोमीटर, और गाड़ी में पता नहीं क्या हो गया और गाड़ी यहाँ पे आके रुक चुकी है। भाई साहब को भी पता नहीं है क्या हो गया इसमें, वो कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं क्या हो गया, मैं इतना ज़्यादा जानता भी नहीं उसके बारे में। तो अभी हम लोग बस सस्पेंशन में है क्या होगा, और राघव भी वेट कर रहा है कब चलेंगे। गाड़ी बंद है तो राघव का टाइम पास हो रहा है मोबाइल से।
सो गाइज यार हम लोगों को यहाँ पर हो चुका है लगभग एक घंटा और अभी तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। अभी एक गाड़ी मैकेनिक को हमने कॉल किया है और उनसे वीडियो कॉलिंग के जरिए बात हो रही है, तो जैसे ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हम यहाँ से निकल लेंगे। फ्रेंड्स यार बड़े परेशान हो रहे हैं, हमको बहुत टाइम हो चुका है यहाँ पे और गाड़ी है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही है। वीडियो कॉलिंग पे मैकेनिक से चर्चा भी चल रही है और अब देखते हैं क्या होगा। शादी अलग से टाइम निकला जा रहा है, अब क्या करें, मतलब पता नहीं कि हम कब पहुँचेंगे, अभी तो हमारा कोई पता नहीं है। गाइस सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक हमें ये पता नहीं चला है कि समस्या क्या है इसमें, और इसके बाद समस्या अगर पता चल भी गई तो इसके बाद मतलब समस्या का सॉल्व क्या होगा ये भी पता नहीं। यहाँ पे देखो हम सब परेशान हैं बुरी तरह से, और राघव देखो इसको कोई मतलब नहीं है, लाइफ हो तो ऐसी। ये जुगाड़ बहुत काम में आई, पूरे फ्यूज निकाल लिए लेकिन इसमें भी कुछ नहीं मिला, और देख रहे हैं अब फाइनली 2 घंटे के वेट के बाद एक मैकेनिक भैया आए हैं और अभी वो देख रहे हैं प्रॉब्लम क्या है। तो यार आज का दिन जो है ना वो बहुत ही हमारे लिए बहुत मतलब काफ़ी हद तक बहुत बेकार साबित हुआ, क्योंकि यार हम लोग गए थे बढ़िया मन में भावना लेके शादी के लिए और अभी तक हम मतलब 2-3 घंटे हो चुके हैं हमको यहाँ पे और अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, और गाड़ी का भी अभी तक हमारा पता नहीं है कब सही होगी कब नहीं होगी। और यहाँ पे ये पास में होटल पे से लेके आए हैं कुछ, मतलब चूहे कूद रहे हैं ना पेट में उसकी जुगाड़। पार्टी चल रही है हो चुके हैं यार, हम कब से बैठे हैं यहाँ पे, 3 घंटे हो चुके हैं, हमको हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। हम कब हम शादी में जाएंगे, अभी कम से 40 किलोमीटर और बचा है, और कहाँ शादी एंजॉय करने के लिए आए थे और यहाँ पे एंजॉय की जगह यहाँ मिल रही है हमें सजा। पहले ही निकल गया पूरा निकल गया, जितना मेकअप करके आया इतना सब उतर गया। तो धक्का दे दे के, धक्का दे दे के मेकअप भी करो तो अरे तो पाउडर वगैरह सब लगा के आया था मैं तो, शादी में जा रहा है आखिर कोई मजाक है क्या? कंडीशन खराब हो, मतलब मैं बहुत लोग ये कहते थे मैं बाइक से ट्रेवलिंग करता हूँ, मतलब बाइक से मैं ब्लॉग बनाता हूँ, बाइक से हम जाते आते हैं तो सब लोगों को बुरा लगता है। बहुत लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं ना नहीं, मुझे कमेंट करते हैं कि आप है ना बाइक से मत जाया करो, ये है वो है। तो पता है आज हम 4-व्हीलर से आए हैं और सबसे बड़ी दिक्कत आ गई हमें, इतना ज़्यादा मतलब परेशान होना पड़ा है, फैमिली के साथ आए हैं। इतना तो अगर हम बाइक से भी जाते ना तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल मज़े से आते। तो गाइज अभी ये मैकेनिक भाई आए हैं, देख रहे हैं वो क्या प्रॉब्लम है और क्या हाल है। क्या हाल है, शादी हो रही है। अरे भैया तेरे को क्या हो रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है भैया, पता है गाइज हम इतने परेशान हो रहे हैं, ये बढ़िया मौज से अपना मोबाइल चला रहा है, कहीं कुरकुरे खा रहा है, कहीं चिप्स खा रहा है, बस मजे आ रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहा है बस। राघव अपन आज परेशान हो गए ना, मतलब मैं ही हुआ हूँ परेशान, तू थोड़ी हुआ है, ये परेशान नहीं हुआ है बस। क्या कर रहा है, उसको क्यों छटका रहा है, आज का दिन हमारे लिए हमेशा तक याद रहेगा, क्योंकि हम निकले थे शादी करने लेकिन पहुंच गए हैं यहाँ पे। सो गाइज हमने डिसाइड किया है कि अब हम लोग जो है यहाँ से जहाँ पे ये शादी है ना वहाँ से गाड़ी मंगवा रहे हैं, और उस गाड़ी में हम लोग जाएंगे शादी करने के लिए, और जो राधे भाई साहब हैं वो यहीं पे रुकेंगे,
अपनी और एक और मिस्त्री मतलब जो मैकेनिक जो है वो आ रहे हैं कोलारस से, तो वो भी देख लेंगे। एक मिस्त्री ने तो देख ही लिया है और वो देख लेंगे अगर वो क्या प्रॉब्लम दिखाते हैं, बात की बात होगी। तो भाई साहब तो यहीं रुकते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, यहाँ 3 घंटे हम हो चुके हैं क्योंकि 1 बजे आज आए थे और 4 बज चुके हैं। तो अब गाड़ी आ रही है, इसके बाद हम लोग निकलते हैं यहाँ से और इस वीडियो को रखते हैं हम पार्ट 1 में, और पार्ट 2 आएगा हमारा शादी वाला अगला वीडियो।